हत्या का समाचार सुनकर स्तब्ध हैं। ये अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। और सुखदेव सिंह जी ने कई बार पुलिस प्रशासन को इस संबंध में आगाह भी किया कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन क्यों नहीं की गई, क्या कारण थे, ये निश्चित रूप से जांच का विषय है। मैंने सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के शीर्ष लोगों से बातचीत की, तुरंत ही ऐसे अराजकता फैलाने वाले लोगों को जांच कर दोषी लोगों को सजा मिले। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी की हत्या करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करके उनकी तुरंत सजा तय की जानी चाहिए। निश्चित रूप से जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में एक अराजकता का माहौल राजस्थान में रहा है और उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो इसके लिए पुलिस प्रशासन को हमने बातचीत की है। देखिए, पिछली सरकार के समय से जिस तरह से राजस्थान में गैंग वॉर्स पनपी हैं, डिफरेंट गैंग्स के बीच में युद्ध शुरू हुए हैं, जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको किए की सजा मिले। और साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद में इस बात को हम सुनिश्चित निश्चित ही करेंगे कि राजस्थान में अमन चैन और शांति के शासन कायम हो। इन सारे गैंगस्टर्स पर, सभी बदमाशों पर इस तरह का जो है उनके विराम लगे, उनको उनके किए की सजा भुगतनी पड़े, उनको सबको जेल में बंद किया जाए ताकि राजस्थान में शांति का शासन स्थापित हो सके। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस समय में उद्वेलित होने के बजाय हमको शांति बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही एक बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि एक भी अपराधी और गैंगस्टर जो इसमें संलिप्त था वो नहीं बख्शा जाएगा। और पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह करना चाहता हूं कि राजस्थान में अन्य लोगों को जिनको भी इस तरह की धमकियां मिली है तुरंत उनको सुरक्षा भी प्रदान करें, और साथ साथ में ऐसे सारे लोगों को जिन्होंने धमकियां दी है उन सबके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की। समाज के अगुवाओं की जो जघन्य हत्याएं करवाई जा रही है इनका समूल नष्ट किया जाएगा, हत्यारे पकड़े जाएंगे, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मेरी पुलिस प्रशासन से भी मांग है कि षड्यंत्र में जो कुछ थे उनके चेहरे से भी नकाब खींचे और इस पूरे मामले को आईजी स्तर का जांच करके और जल्दी से जल्दी हत्यारे पकड़े जाएं। नई सरकार से लोगों को उम्मीद है, कानून व्यवस्था पिछली सरकार के कुकर्मों के कारण एक आम आदमी के जिंदगी में दहशतगर्दी लेकर आई थी, वो सारी बातें दूर होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हत्यारे जल्दी गिरफ्तार होंगे।